यहाँ पे? ये कह रहे हैं यहाँ से निकलो। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग रोड साइड पर ना, रोड 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 ना ब्लॉक करो, रोड ना ब्लॉक करो, नहीं करेंगे, और रोड ब्लॉक नहीं करो, पैसेंजर रोड रोड ब्लॉक करो, कहाँ ब्लॉक हो रही है आप बताइए ना, कहाँ आप बताइए ना, रोड कहाँ ब्लॉक हो रही है आपके सामने से, विदाउट हेलमेट इंसान की, उसको तो आपने कुछ बोला नहीं, परेशानी हो रही है, कहाँ पे हो रहे थे रोड ब्लॉक मैम, क्या क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? आप अभी बीपीएल से बाहर निकल रहे, दूसरे उसके हेलमेट नहीं है, दूसरों को लॉस सिखाते हैं। अभी हम डीपीएल के बिल्कुल बाहर हैं, यहाँ पे एडवोकेट अन्ना दुरानी जी यहाँ पे आई हैं, इनके क्लाइंट जो हैं वो अंदर हैं, ये अंदर जाना चाहती हैं, इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, इनसे बातचीत करते हैं। अन्ना जी, क्या दिक्कत आ रही है आपको यहाँ पे? ये कह रहे हैं यहाँ से निकलो। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग रोड साइड पर ना, रोड 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 ना ब्लॉक करो, रोड ना ब्लॉक करो, नहीं करेंगे, और रोड ब्लॉक नहीं करो, पैसेंजर रोड रोड ब्लॉक, रोड कहाँ ब्लॉक हो रही है आप बताइए ना, कहाँ ब्लॉक हो रही है, आप बताइए ना, रोड कहाँ ब्लॉक हो रही है आपके सामने से, विदाउट हेलमेट इंसान की, उसको तो आपने कुछ बोला नहीं, कहाँ पे हो रहे थे रोड ब्लॉक मैम, क्या क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? आप अभी JKSSD के प्रोटेस्टर्स जो थे उनको डिटेन किया गया है, उनका प्रोटेस्ट था यहाँ, उनको डिटेन किया गया है, मुझे कॉल आया है कि भाई आप हमको ऐसे डिटेन किया गया, आप प्लीज़ एक बार आ जाइए, मैं आ गई हूँ, मैं यहाँ आ गई हूँ, अब मुझे कह रहे हैं आप अंदर नहीं आ सकते, हमारे जो अंदर अफसर बैठे हैं, ये जो संतरी साहब है, नरेश साहब, ये कह रहे हैं हमारे जो अंदर अफसर बैठे हैं उन्होंने कहा है कि आप SHO से ऑर्डर लिखवा के आओ, एक वकील को SHO के ऑर्डर की कब से ज़रूरत पड़ गई? आपका क्लाइंट है वो सर, उन्होंने मेरे को JKSSB के जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने उनको डिटेन किया गया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैं आ गई हूँ, राइट? अब कोई ट्रस्ट किया होगा तभी उन्होंने फ़ोन किया ना, ऐसे तो कोई किसी को फ़ोन नहीं करता जब मुश्किल होती है। क्यों अब नहीं, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? पता नहीं, वो इनको ही पता होगा क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। कितनी देर से आप यहाँ पे खड़ी हैं? सर ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए अब तो। तो अच्छा, और दूसरी बात, मैंने बार एसोसिएशन को फ़ोन किया, कल सारे गांधीनगर के बाहर खड़े थे, थाने के बाहर। आप जब अपनी महिला वकील के साथ कभी कोई प्रॉब्लम होती है तब ये लोग खड़े नहीं होते, ये बस फ़ोन पे, हाँ जी मैडम क्यों मिलना है, क्या है, अजीब अजीब से सवाल पूछे। जब वोट करना होता है तब वोट के लिए 2 सेकंड में आप आते हैं, बार बार आप फ़ोन करते हैं, लेकिन सब प्लीज़ थोड़ा साइड हो गए, आप बार बार वोट करते हैं, जब वोट आपको मिल गया, कुर्सी आपको मिल गई, फिर आप जान पहचान से आप इनकार कर देते हैं, तो ये सिर्फ वोट की सियासत है बार एसोसिएशन की बस। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे भी है और हाँ, यहाँ पे सारे मेल्स जो पुलिसकर्मी हैं तैनात वो मेल्स हैं, अगर आप अंदर जाती भी हैं, उन लोगों से मिलती भी हैं जो प्रोटेस्ट, अंदर से ऑर्डर आया है ना कि मैडम अंदर नहीं आ सकती, वजह अंदर से ही ऑर्डर है ना, वो अंदर वाले साहब को ही पता होगा, आपको कोई गैर कानूनी काम तो करने जा नहीं रही है ना सर? अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, जम्मू में अभी सिर्फ चल रहा है तानाशाही, जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एप्टेक एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसको एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करना चाहिए, उसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट? उनका राइट है, वो उनका राइट है। अब मुझे ये बताइए, कानून में कहाँ लिखा है कि एक वकील क्लाइंट से नहीं मिल सकता, या एक वकील उस बंदे से नहीं मिल सकता जिसको उसने फ़ोन किया है? इन्होंने फ़ोन किया, मैं आ गई, मैं इनसे नहीं मिल सकती, मुझे यही पूछना है अंदर इन अफसरों से, मैं क्यों नहीं मिल सकती, आप मुझे ये बता दीजिए, कानून में कहाँ लिखा है ये नहीं मिल सकती, बता दीजिए। हमने भी कोशिश की थी इनसे हमारी बात हो, लेकिन ये तो बात ही नहीं करना चाहते हैं। ये क्यों बात करेंगे, इनको अंदर से ऑर्डर आया है ना, इनको अंदर से ऑर्डर आया है कि नहीं अंदर ये मैडम नहीं आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि ये मैडम अंदर आएंगी, ये जब कानून की 2-3 बातें सुनाएंगी तब उनको तकलीफ़ हो जाएगी। बाकी लोग तो अंदर बाहर आ रहे हैं जा रहे हैं। हाँ, आपने सामने सामने देखा, एक इंसान गया जिसके पास हेलमेट नहीं था, वो इनको दिखाई नहीं दिया, लेकिन हम 3 लोग जो रोड पे खड़े हैं, अंदर भी नहीं खड़े, हम 3 लोगों ने रोड ब्लॉक कर दी, हम 3 लोगों ने रोड ब्लॉक कर दी, अगर 4 होते तो अभी 144 भी लगा देते। क्या मांग करेंगे, क्या डिमांड करेंगे? सर मेरी कोई डिमांड नहीं है, मेरा सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट है टू मिस्टर SSP चंदन कोहली, प्लीज़ टीच योर कॉप्स, दैट्स ऑल आई हैव टू से। एंड आई हैव अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू ADGP साहब, आप प्लीज़ अगर किसी को डिटेन किया जाता है तो देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी गिवन टू द पर्सन डिटेन टू मीट द लॉयर, ये मैं नहीं कहती, ये किताब कहती है, वही किताब जिसको आप इन्फोर्स करते हैं और वो किताब जिस पे हम चलते हैं, दैट्स ऑल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से अन्ना दुरानी जी एक एडवोकेट हैं और एडवोकेट होने के नाते इनको जो है इन बच्चों ने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने अप्रोच किया यहाँ पे,
कि आप हमसे मिलिए आकर के, और ये मिलना चाहती हैं। हालांकि बाकी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन एक एडवोकेट को जो है अपने क्लाइंट से मिलने की परमिशन नहीं दी जा रही है। आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफा जमेडा कैमरामैन शाहनवाज के साथ।